जी सत श्री अकाल सारिआं नूं, तुहाडा साडे देसी चैनल ते स्वागत है। अज आपां बना रहे हां करेले। करेले आपां भर के बना रहे हां ते आपां लए आ करेले। इहनां नूं आपां पहलां छिल के धो के चंगी तरह सुका लिया सी, फिर आपां इहनां दे विचों बीज कढते हां। आपां इहनां विच स्टफिंग करांगे। हरी मिर्च लई आ, टमाटर लिया ते प्याज लए आ। हुण आपां कढ़ाई इक पहलां कढ़ाई धर देंगे। ये आप तेल पा देंगे। आप पहला प्याज टमाटर ते हरी मिर्च भुन लांगे। करेलों में आप स्टफिंग करनी जड़ी। तेल नूं आप चिट्टा कर लवेंगे। हाँ जी, अपने प्याज ते टमाटर हरी मिर्च भुज गई है। हुण आपां इहदे विच कुछ मसाले ऐड करांगे। नमक आपां पहला पा दिता सी, एक चमच विच हल्दी का पा देंगे। आपां हरी मिर्च पाई सी, इस करके आपां अद्धे चमच तो थोड़ी जी ज़्यादा लाल मिर्च पावांगे। विच आपां गरम मसाला पा देंगे, अद्धा चमच आमचूर पाउडर पा देंगे, अद्धा चमच हम आप चंगी तरह भुन लवेंगे। हल्दी नूं चंगी तरह विच पाइए, चंगी तरह भुनना, क्योंकि आप जो विच स्टफिंग करेलिया दे भर दिती फिर उपरों आप धागे नाले नूं लपेट देना करेलिया नूं, ते विच्चों जिहड़ी आपां स्टफिंग भरी हुंदी है वह फिर पकदी नहीं। जे हल्दी पूरी तरह आपां भुंनदे नहीं तो फिर विच्चों हल्दी दे कच्चेपन की स्मैल आउंदी है तो वह वधिया नहीं लगती। तुसीं चाहो तो करेले दे प्याज पाए, आपां इहदे विच करेलियां दे जिहड़े आपां छिलके उपरों लाउणे वह भी विच भुन सकदे प्याज दे नाल ही। हाँ जी, हुण अपने हल्दी सारा कुछ विच वधिया तरह भुज गया। हुण आपां इहनूं ला के ठंडा होने वास्ते रख देंगे, फिर आपां विच करेलियां दी स्टफिंग करांगे। उन्नी देर वास्ते आपां तेल धर देंगे एक पैन विच पा के करेलियां नूं फ्राई करन वास्ते। हाँ जी, अपनी हुण प्याज जिहड़े भुन के रखे सी मसाला वह ठंडा हो गया। हुण आपां करेलियां विच स्टफिंग करांगे। स्टफिंग तुसीं आपदे हिसाब नाल करनी है। जे तुसीं ज़्यादा विच स्टफिंग भरनी है फिर लून मिर्च थोड़ा जिहा घट पा लेना, तो जे तुसीं घट भरनी चाहो तो फिर लून मिर्च थोड़ा जिहा वध पा सकदे। आपां इन्नी भर ली है, एक एक चमचा भर विच पा लिया। सारे करेले आपां इवें भर लवांगे, फिर उपर आपां धागे लपेट देंगे इन्हां दे। सारे करेलियां विच स्टफिंग भर ली है तो हुण आपां इहदे उपर धागा लपेटांगे। तुसीं चाहो तो पहलां करेलियां नूं भी फ्राई कर सकदे, फ्राई करके उस तो पिछे इहदे विच स्टफिंग कर सकदे। इहनां नूं आपां एवें करके उपरों धागिआं नूं चंगी तरह लपेट देंगे। इन्हां दे मूँह ना खुल्ल ते मसाला जिहड़ा आपां भरिया विच उह बाहर ना निकले। हाँ जी, आपां सारे करेले भर के उपर धागा लपेट लिया। हुण आपां इन्हां नूं तेल गर्म अपना हो गया विच रख देंगे, ते बहुत ज़्यादा तेल नहीं विच पाउणा, नहीं तो फिर जल्दी जल्दी इस उपरों सड़ जाएंगे। इस थोड़े जिहे घट फेक आपां फेकते ही बनाउणे आ, मीडियम फ्लेम ते बनावांगे फिर जे पूरे चंगी तरह अपने तले जाए। हाँ जी, आप करेलिया की परत ना बदलते रहना, क्योंकि जे एक साइड तो पे हो तो फिर वे सड़ जाएंगे करेले तेल दे। इन्हों आप वार वार आप मिनट बाद इन्हों बदलते रहना, तो घट फ्लेम से ही इन्हों पकाना, नहीं तो ज़्यादा जल जाएंगे। बस अपने करेले हूँ बनने वाले ही, जदों ये पूरे गोल्डन हो जाए फिर आप कढ़ लेंगे कढ़ाई के।
हाँ जी अपने करेले बन गए हूँ, आप इन्हू एक प्लेट में कढ़ लवेंगे। करेले वधिया भुने वधिया अच्छे लगते हैं, जे कच्चे होणगे तो फिर कौड़े लगनगे, जे इन्हां नूं पूरा सही तरीके नाल फ्राई किए होणगे घट सेक ते फिर कौड़े नहीं रहिंदे। कईयों दे आपां वेख्या हरे जे रख लैंदे आ उह फिर कौड़े लगदे आ, कौड़े हो जांदे आ, इस करके इन्हां नूं पूरा तलना, जदों पूरे गोल्डन ब्राउन हो जाण उदों विचों कढ़ना। हाँ जी देखो बहुत सोहने बन गए। हाँ जी जो ये ठंडे हो जाएंगे आप इन्होंने उपरों धागे जे लपेटे से वो ला देंगे, तो फिर आप सर्व करना, तो बहुत वधिया बनते करेले। तुसीं इदां बना सकते, तुसीं चाहो तो विच जिहड़े उपरों छिलके लाए होंगे जो आप प्याज भुनते हैं नाल ही भुन सकते, वो शुगर के जो पेशेंट होंगे उन्होंने वास्ते बहुत वधिया होंगे, तो थोड़े जे कड़वे बनते हैं इस करके आप नहीं पाए, तो तुम चाहो तो विच पा भी सकते, तो बहुत वधिया बनते हैं जे आप वधिया स्टफिंग करके बनाने। तो जे तुहानू साडी अज दी करेलिया की रैसपी वधिया लगी लाइक करो, कमेंट शेयर जरूर करो, तो सबसक्राइब करना कदे ना भुल्यो। थैंक यू।